नमस्कार दोस्तों एक बार वापस स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में आज हम करेंगे और ये एक और पिक्चर आपके सामने क्ले ट्रायंगल की लैब इक्विपमेंट यूज फॉर हीटिंग सब्सटेंसेज बायुन्न बर्नर फॉर एग्जाम्पल टू सपोर्टिबल प्लेट बींग हीटेड किसी भी पदार्थ को अगर बुनसन बर्नर से गर्म किया जाना है उसके बीच में रखता है जिस पदार्थ को गर्म करना है बुनसन बर्र पर उसे क्ले ट्रेंगल पर रखा जाता है इस तरीके से और फिर गर्म किया जाता है मेड ऑफ थ्री ऑफ वायर इन लैंड शेप तीन वायर से बना होता है इस तरीके से जिनको ट्रेंगल शेप में अरेन्ज किया जाता है एंडस ऑफ वायर आर ट्विस्टेड टूगेदर फॉर्मिंग थ्री स्टेट वायरस प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द ट्रेंगल और कुछ इस तरीके से जो वायर है उनको ट्विस्ट किया जाता है उनमें बल डाले जाते हैं और जब ट्रायंगल आप देखेंगे तो एक दो और तीन तीन स्टेम आपको ऐसे देखेंगी जिससे ट्रायंगल शेप होती है ईच साइड ऑफ वायर ट्रायंगल इज कवर्ड विद सिरेमिक स्लीव दैट कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ डायरेक्ट फ्लेम फ्रॉम अ फ्लेमसन बर्नर वायर के बीच में आप देख सकते हैं ये सिरेमिक स्लीव कहलाती है और जब बुनसन बर्नर से डायरेक्ट गर्म करेंगे तो वायर गर्म ना हो डायरेक्ट ज्यादा आंच नहीं है इसलिए हम इसे कवर करते हैं सिरेमिक स्लीव से इस सिरेमिक स्लीव की खासियत है कि बहुत हाई टेम्परेचर सहन

लाइक यूटेंसिल यूज टू ट्रांसफर सॉलिड्स टू पेपर, टू कवर स्लिप एक्सेट्रा ये नहीं पिक्चर स्कूप की स्पेचुलाइ जैसा दिखने वाला यूटेंसिल काम आता है जब आपको सॉलिड ट्रांसफर करने होते हैं वेइंग पेपर पर या फिर कवर स्लिप पर इट इज लॉन्ग स्कूप शेप एंड मेडअप ऑफ मेटल ये लंबा होता है स्कूप जैसा होता है और मेटल का बना होता है सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ वन पॉइंटेड एंड एंड वन ब्लड एंड एक तरफ से पॉइंटेड रहता है और दूसरा इसका एंड जो हो रहा है वो ब्लंट रहता है और अब हमारे सामने है रबर पोलिसमैन ये ये और ये तीनों रबर पोलिसमैन हैं अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस कॉमन टाइप अटैच टू अ ग्लास रॉड ये अलग अलग शेप और साइज में अवेलेबल रहता है सबसे जो कॉमन है उसमें ग्लास रॉड से एक रबर अटैच होता है जैसे कि ये रबर वाली चीज ग्लास रॉड से अटैच है ये रबर वाली चीज ग्लास रॉड से अटैच है यूज टू ट्रांसफर स्मॉल ऑफ और ऑन ग्लास स्मॉलिस इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जब आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं ग्रेव्योम आपको प्रेसिपिटेड या फिर सॉलिड जो ग्लास सर्फेस पर लगा होता है उसको ट्रांसफर करने के काम आता है यूज टू प्रिवेंट स्क्रेचिंग ग्लास वेन रिमूविंग क्रिस्टल्स फ्रॉम अ ग्लास कंटेनर जब आप ग्लास से डायरेक्ट अगर आप ग्लास रॉड हटाएंगे तो ग्लास का स्क्रैच होने का डर है इसलिए हम क्या करते हैं एक एंड पर यह रबर लगाते हैं और इस रबर से स्क्रैचिंग करते हैं खुरचते हैं ताकि स्मॉल प्रेस आ जाए और आप आराम से ट्रांसफर कर सके तो दोस्तों ये यूज है रबर का अब आपके सामने रिंग स्टैंड इक्विपमेंट कंसिस्ट है सॉलिड फर्म बेस यूज टू होल्ड और क्लैम लेबोरेटरी ग्लासवेयर दोस्तों ये वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जिसमें एक पोल होता है और नीचे मजबूत बेस होता है और साथ में ये रही रिंग जो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है डिपेंड करता है आप कौन सा ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं जैसे कि आपके सामने सेपरेटिंग फनल के लिए ये आपके सामने रिंग यूज की गई है अगर आपका ग्लासवेयर छोटा है तो आप छोटी रिंग भी यूज कर सकते हैं मेन काम है इसका ग्लासवेयर को एक जगह रखना और उसे आप आराम से यूज कर सकते हैं अब है आपके सामने स्ट्राइकर यूज टू स्टार्ट बुनसन बर्नर जिस तरीके से हम गैस जलाते हैं लाइटर से कुछ ऐसा ही काम है स्ट्राइकर का

इसके सामने रखा जाता है बुनसन बर्नर पर जिस समय से गैस निकल रही होती है तो बुनसन बर्नर जल जाता है या फिर जहां कहीं पर भी गैस रहेगी वहां पर आग लगेगी कुल मिलाकर इसका काम होता है चिंगारी प्रोड्यूस करना चिंगारी को बनाना और जैसे गैस आएगी बुनसन बर्नर आपका जल उठेगा यह है आपके सामने रबर बल्ब यह रबर बल्ब ये रबर बल्ब है अलग अलग साइज के

और जिस कंटेनर में आप डालेंगे आप लिक्विड इससे भर सकते हैं आप पिपेट से भी अटैच कर सकते हैं और ड्रॉपिंग बॉटल से भी अटैच कर सकते हैं अब हमारे सामने स्प्रिंग बैलेंस ये भी स्प्रिंग बैलेंस, ये भी स्प्रिंग बैलेंस और ये स्प्रिंग बैलेंस बैलेंस भी भी और जिसमें डायल गोल है कॉल्ड वेइंग स्केल टू ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु का भार मापना हो तो काम आता है स्प्रिंग बैलेंस और इसे वेइंग स्केल भी बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ अ हुक अटैच टू द एंड ऑफ स्प्रिंग यूज फॉर वेइंग ऑब्जेक्ट एक हिस्से पर इस पर हुक लगा होता है जिस भी पदार्थ का बाहर नापना होता है हम इस हुक में फसाते हैं स्प्रिंग खींचेगी और हम क्या करेंगे यहां से रीडिंग नोट करेंगे इस केस में देखेंगे हम डायल यहां पर सुई है इस डायल में सुई जितनी घूमेगी हमें पता लगेगा वस्तु कितनी भारी है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ ये हुक्स लॉ पर आधारित है अब हम देख पा रहे हैं क्लीनिंग ब्रश की पिक्चर ये ये और ये तीनों पिक्चर है क्लीनिंग ब्रश के ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट ट्यूब ब्रश और स्पाउट ब्रश

और जो ये वायर है ये बना होता है एल्यूमिनियम का ब्रॉन्स का कॉपर का या फिर ब्रास का अब है पिक्चर आपके सामने 24 फोर वेल प्लेट की रेक्टेंगुलर प्लेट्स कंटेनिंग मेनी सेपरेटेड वॉल्स दोस्तों तीनों पिक्चर 24 फोर वेल प्लेट की है जो कि रेक्टेंगुलर होती है और इसमें छोटी छोटी कैविटीज होती हैं जिसे हम वेल बोलते हैं क्योंकि है, 24 है इसीलिए इसका नाम है 24 फोर वेल प्लेट्स की अनालिटिकल प्रोडक्ट्स यूज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बायोटेक फॉर सैंपल प्रिपरेशन दोस्तों ये एनालिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसका काम आता है केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक लैब में सैंपल बनाने के लिए या फिर जिस भी पदार्थ की हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पता करना चाहते हैं उस पदार्थ को इसमें डाला जाता है और फिर मशीन से जांचा जाता है कैन ऑल्सो भी यूज फॉर सेल ग्रोथ एज वेल एज एनालिसिस सेल ग्रोथ भी हम चेक कर सकते हैं और उसकी जांच भी कर सकते हैं अब आपके सामने वेस्ट कंडेंसर कंडेंस का मतलब होता है भाप को ठंडा करना पीस ऑफ ग्लासवेयर यूज इन डिस्टिलेशन असेंबली ये वो ग्लासवेयर है जो डिस्टिलेशन असेंबली में काम आता है कंसिस्ट ऑफ एन इनर स्ट्रेट ट्यूब सराउंडेड बाय एन आउटर जैकेट ट्यूब एक अंदर ट्यूब होती है और बाहर एक और ट्यूब होती है जिसका जैकेट का काम करती है कूल वाटर थ्रू द आउटर जैकेट फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू द वेपर इन द इनर ट्यूब जिस पदार्थ को गर्म किया जाता है और उसकी वेपर बनती है वो इनर ट्यूब भी ऊपर चढ़ती है आउटर ट्यूब में ये एक इनलेट है जहां से ठंडा पानी अंदर जाएगा और जो वेपर अंदर जा रही है उसको बाहर से उसको ठंडा करेगा वेपर बाहर नहीं निकलेंगी ठंडा होकर वापस नीचे आ जाएंगी मतलब कंडेंस हो जाएंगी और यह गर्म पानी फिर यहां से बाहर निकलता है वेस्ट कंडेंसर कैन बी बोथ इन रिफ्लक्स रिफ्लक्स एंड डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अप्रेटस दोनों में काम आता है कुल मिलाकर वेस्ट कंडेंसर का काम है भाप को ठंडा करना अब आपके सामने डायग्राम हर्ष फनल आगे से ऐसा देखेगा और ये रही एक और पिक्चर आपके सामने फनल मेड ऑफ पोर्सलिन ये वो फनल है ये वो कीप है जो पोर्सलिन की बनी होती है हाईली रेजिस्ट केमिकल अटैक इस पर केमिकल का असर ना के बराबर होता है इट हैज फिक्स परफोरेटेड प्लेट फॉर पेपर और मेम्ब्रेन फिल्टर दोस्तों ये जो छेद वाली चीज है इसको बोलते हैं परफोरेशन और ये फिक्स प्लेट होती है जिसके ऊपर हम पेपर भी रख सकते हैं या मेम्ब्रेन फिल्टर भी रख सकते हैं अलग-अलग में available होती है। can be autoclave, इसको autoclave भी किया जा सकता है for vacuum filtration of very small volumes of जब हम बहुत छोटे का छानना चाहते हैं और उसमें vacuum होता है, उस केस में काम आती है हमारी अब आप कैसे डायग्राम स्टीर बार की ये पिक्चर स्टीर बार की जिसे यूज किया जाता है मैग्नेटिक स्टीटर में और ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ये रही आपके सामने

अगर आप इसे ग्लास में भी रखकर घुमाओगे तो आराम से घूमेगा जैसे कि हम यूज करते हैं इसको मैग्नेटिक में डिफरेंट में अवेलेबल अवेलेबल डिफरेंट साइज साइज अलग अलग है जैसे कि ये रही आपके सामने और अब देख पा रहे हैं आप ड्रॉपिंग फनल ये रही पिक्चर आपके सामने याद रहे दोस्तों ये सेपरेटिंग फनल से अलग है इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसफर लिक्विड सॉल्वेंट और सोल्यूशन ये वो ग्लासवेयर है जिससे मैं लिक्विड या सॉल्वेंट ट्रांसफर कर सकता हूं लेकिन जब मुझे थोड़े थोड़े अमाउंट पर ट्रांसफर कर रहा हो तभी काम आता है और यहां पर लगा होता है उसमें स्टॉप स्टॉप कॉक कॉक एट एंड द फ्लो ऑफ लिक्विड टू बी कंट्रोल करना हो तो यह स्टॉप कॉक काम आता है फ्लूड और रिएजेंट मे बी एडेड ड्रॉप वाइज और जब मुझे इसके अंदर रखा हुआ सॉल्यूशन मुझे ऐड करना हो ड्रॉप वाइज तब काम आती है ड्रॉपिंग फनल और रिसीलिस्ट का नाम है ड्रॉपिंग फनल

जिसकी जो बॉडी है वो गोल है जो गर्दन है लंबी है लेकिन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जैसी नहीं है एंड ऑफन अ फ्लैट बॉटम और थोड़ा सा उसका जो बॉटम फ्लैट रहता है डिजाइन फॉर यूनिफॉर्म हीटिंग बॉइलिंग डिस्टिलेशन एंड ईज ऑफ स्वील्डिंग इसका काम होता है चीजों को गर्म करना उबालना डिस्टिलेशन में और आपको अगर स्वीड करना हो घुमाना हो तब भी काम आता है डू नॉट है ग्राउंड क्लॉज ग्राउंड जॉइंट ऑन देअर लॉन्गर नेक्स्ट बट है स्लाइट लिप और फ्लेंच अराउंड द टिप ऑफ द नेक दोस्तों यहां पर ग्लास जॉइंट नहीं है ऊपर से हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है ताकि आप आराम से जो लिक्विड है आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर सको या दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर सको तो दोस्तों ये होता है फ्लोरेंस फ्लास्क अब आपके सामने बॉस्टन राउंड बॉटल जिसका एक और नाम है विंचेस्टर बॉटल दोस्तों ये बहुत कॉमन बॉटल है जो हम घर में भी यूज करते हैं आप मेडिकल स्टोर से बाहर से दवा लाए होंगे जिसमें दवा सॉलिड या लिक्विड के रूप में प्रेजेंट होती है अलग अलग साइज में अवेलेबल रहती है 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 और और इस की खासियत है क्या है? ये एम्बर जिसकी वजह से जो लाइट वो अंदर नहीं और अंदर नहीं जाएगी आपका रखा हुआ प्रोडक्ट सेफ रहेगा ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है और ग्लास की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है दोस्तों तो ये वो कंटेनर है जो आपने अमूमन घर में या आसपास जरूर देखा होगा जैसे कि ये ये और ये बाकी तीन ये कहलाता है दोस्तों कार्बॉय कंटेनर यूज फॉर होल्डिंग लिक्विड ये वो कंटेनर है जो लिक्विड होल्ड करने का काम आता है अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड वेरियस शेप्स अलोंग विद डिफरेंट कैपेसिटीज अलग अलग शेप अलग अलग साइज और अलग अलग कैपेसिटी में अवेलेबल है जैसे चार लीटर दस लीटर चालीस लीटर पचास लीटर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास ये ग्लास और प्लास्टिक का बना हो सकता है आइडियल फॉर स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग लैब वाटर एंड रिएजेंट्स मेन काम आता है इसका लेबोरेटरी में जो आपका लिक्विड को स्टोर करना और लैब वाटर को स्टोर करना और जब जरूरत हो आप उसे टैप लगाकर इसमें से निकाल सकते हैं इच्छा अनुसार अब आपके सामने क्रेक ट्यूब ग्लासवेयर यूज इन लेबोरेटरी फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन ये वो ग्लासवेयर है जो रिक्रिस्टलाइजेशन में काम आता है दोस्तों इसके पार्ट होते हैं एक होता है इनर प्लग और एक होता है आउटर ट्यूब

तो दोस्तों ये थे कुछ इक्विपमेंट और ग्लासवेयर जो आपके बेहद काम आएंगे याद रखें प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में महारत हासिल करने के लिए और प्रयोग में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है प्रयोगशाला में काम आने वाले ग्लासवेयर उपकरण और उनके नाम दोस्तों ये सभी ग्लासवेयर और उपकरणों की जानकारी अगर आपको और भी चाहिए विस्तार से चाहिए तो आप ये वीडियो अवश्य देखें जैसे कि ये आपके सामने ये वीडियो आपके सामने इसका अगला भाग ये रहा आपके सामने

दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास जानकारी पहुंच सके सुरक्षित रहें धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत